अच्छा जी, मैं वाकई थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। मेरा बहुत ही फेवरेट और बड़ा ही गिनती बर्ड, और ऐसे ही मेरी, मैं भी 2 मिनट पहले अभी अपने एवरी में चेकिंग कर रहा था और ऑल बर्ड्स आर एब्सोल्युटली हेल्दी। अभी सिर्फ मेरी नज़र पड़ी एक बर्ड पे और वो बर्ड मेरा एक्सपायर हो गया। तो आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और अभी मैं 2 मिनट के लिए जब मैंने बर्ड देखा तो मैं यूँ खामोशी से मैं खड़ा होता रहा, जस्ट थिंकिंग के ये कैसे हुआ, जो अल्लाह की रजा। और बहुत कम मेरे पास इस वर्किंग के पेयर हैं डन फेलो के। आपको बहुत वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इतना सा था कि ये जो बर्ड्स के अंदर हम कहते हैं ना, बड़ा प्रॉफिट भी है और सारा कुछ है, बरकत भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के शॉक्स भी आपको लेने पड़ते हैं। और अगर हम जब प्राइस चार्ज करते हैं ना, या जब हम एक बर्ड सेल करते हैं, कहते हैं इतना महंगा इतना क्यों, क्योंकि इतनी सारी मुश्किल मराहल से गुजरना भी पड़ता है। आपको एक ब्रीडर की उस बर्ड को प्रोड्यूस करने के पीछे जो एफर्ट है, मैं अभी इवेंट चाह रहा हूँ जो हमारा फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और मैं कल रात भी नहीं सोया, 2 घंटे सोया हूँ, और आते ही एवरी में मैंने चेकिंग शुरू की और ये हो गया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमें बेयर करनी पड़ती हैं, फिर कुछ आता है, खाली पैसे लगाने से नहीं होता। तो एक मैसेज था सब लोगों के लिए, थैंक यू।